40 साल का हिंदी सिनेमा में सफर, लगभग 160 फिल्म्स में अनगिनत दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंसेस, सिनेमा के पर्दे पर जलवा ढाता डांस, तीखी तेज आवाज, हिंदी सिनेमा की वैम्प की पहचान, दिलकश मोना डार्लिंग, अगर इन सब को जोड़कर एक चेहरा बनाया जाए तो वो सिर्फ बिंदु जी का होगा। क्या बात है, पर्दे की खलनायिका लेकिन असल जिंदगी की नायिका को ट्रिब्यूट देने आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, वो जिसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं एक डांसर, ऋतुजा झुन्नरकर। मैं एक अदाकारा हूँ, मैं मेरे हुस्न से और मेरी अदाओं से सबकी जान ले लेती हूँ। बच के रहना मुझसे। क्या मरे हैं आप चारों? शर्म आनी चाहिए, किसी की बहू बेटी नाच रही है और देख रहे हो। जाओ बेटी के पास, ये देखो। तो चलिए, टेरेंस सर का मुंह खुला ही हुआ है, आप ही बोल दीजिए फटाफट। क्या तिलाना भाया, अभी वो वर्ड ऑब्सोलीट हो गया है, वैम्प। या बट एक जमाने में एक वो एक किरदार हुआ करता था हर एक फिल्म में, वैम्प। Either it was Bindu, Aruna Irani or Helen जी, ये iconic थे उनके बिना, और उनका गाना जब आता था तो मतलब पूरा थिएटर you know खड़ा हो जाता था, और कपड़े निकल जाते थे, टोपियाँ निकल जाती थी, जूते निकल जाते, people would be celebrating, they were that kind of iconic stars। तो जिस तरीके से आपने नाचा, even I wanted to stand up and just dance। Thank you। Steps में खूबसूरती थी, you didn't lose your grace। You know, एक लावनी डांसर, एक मराठी मुलगी, okay, कैबरे करते हुए देखकर मैं बहुत खुश हुआ। Thank you so much, sir. So very well done, loved it. Thank you for you. आउटस्टैंडिंग ऋतुजा, क्या बात है, जो अबैंडनमेंट हम चाहते थे आपके परफॉर्मेंस में, जो खुलापन हम चाहते थे, वो आज मतलब आपने, यू जस्ट फॉरगॉट इफ एनीवन वाज वाचिंग यू नॉट वाचिंग यू, मुझे बहुत अच्छा लगा
और ये आपका एक नया अंदाज देख के मुझे आई फील वेरी प्राउड दैट यू अटेम्प्टेड दिस एंड यू जस्टिफाइड इट. गॉड ब्लेस यू. एंड नया कुछ ट्राई करने के लिए ये डेफिनेटली बनता है. थैंक यू. थैंक यू मां. थैंक यू. ये है हमारी बॉलीवुड की पहली मां. ओए मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? आए भाई मेरे पास माँ है. माँ चलो. नहीं भाई माँ मेरे साथ जाएगी. ओए माँ मेरे साथ जाएगी. तुम दोनों इतने भी अमीर नहीं हुए कि अपनी माँ को खरीद सको. बेटा माँ जहाँ चाहेगी वहां जाएगी. नाउ गेट लॉस्ट. और ये है हमारी बॉलीवुड की दूसरी माँ. मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे के आएंगे. नहीं आएंगे. जब तक लॉकडाउन चालू है तब तक नहीं आएंगे. तो अब देखते हैं इन दोनों माओं में से सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन कौन है. अन्याय है. मेरे करण अर्जुन आएंगे. भाग अर्जुन भाग. हैं? तो ये है तुम्हारे करण अर्जुन? नो वे. मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे. माँ जाएगी. माँ माँ बॉलीवुड की बेस्ट माँ कौन है? राखी जी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. थैंक यू. आउटस्टैंडिंग. आई थॉट यू हेल्ड कैरेक्टर वेरी वेल. श्वेता तो मुझे डांसिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगा श्वेता का आज. वेल डन. गुड. थैंक यू. थैंक यू मैम. श्वेता आपने भरतनाट्यम एंड स्ट्रीट डांस मिक्स किया. आई लव्ड इट. थैंक यू. इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल टू डू दैट. सो अमेजिंग. थैंक यू. थैंक यू. Shakti ji, you made me laugh and I thought I was watching a feature film. I enjoyed it. It was amazing. Thank you. Shweta aur Bhavna do maa. Mamma mia! What a performance! Bolte na film industry mein showmen hote hain. You all are really truly show girls. Aap dono ke expressions outstanding, mind blowing. Mamma mia, I'm not joking. Thank you, sir. Shakti sir, Gulshan sir, हमारे dancers ने और choreographer ने आपके लिए दोनों के लिए एक छोटा सा tribute तैयार किया. अगर आपकी permission हो तो sir. हो जाए sir. ऐसा show, ऐसी शाम,
परमिशन की कोई जरूरत नहीं है. इट्स अमेजिंग, इट्स ड्रीम कम ट्रू. एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे डांसर और कोरियोग्राफर के लिए. दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता. दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं. क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग. ये आओ देखें जरा किसमें कितना दम फिल्म, रॉकी संजू की डेब्यू फिल्म थी, उसकी पहली फिल्म. और मुझे याद है दत्त साहब डांस डायरेक्टर साहब के पास गए और उनको, वो उनको नहीं मालूम था दत्त साहब को कि मैं पीछे खड़ा हूँ. और पंजाबी में बोले कि ये मैं सोचना कि संजय दत्त मेरा बेटा है तो उसको कोई एक्स्ट्रा शॉट देना, शक्ति कपूर भी मेरा बेटा है. मुझे ये गाना, एक शॉट संजू का है तो एक शॉट शक्ति का है. Wow. बराबर का गाना चाहिए. आप कभी ये गाना देखो आपको ऐसा लगेगा कि दो हीरो नाच रहे हैं. हैट्स ऑफ टू दत्त साहब. ऐसी चीजें कोई अगर अपने बेटे को डेब्यू में ले रहा है और उसकी पहली फिल्म है नहीं करेगा. सो वो पुरानी यादें याद आ गई. लेकिन शक्ति सर, आप जब तक आकर इस मंच पे इन बच्चों के साथ इन गाने पे नाचेंगे नहीं ना, He's तो हमारा ये एपिसोड अधूरा रह जाएगा. क्या बात है, क्या बात है, शक्ति सर के लिए जोरदार तालियां. चलो शक्ति सर. में कितना है दम, जम
के रखना कदम मेरे साथिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।